नमस्कार श्री के आर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दानेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए सेमेस्टर वन प्रथम और हिंदी आधुनिक हिंदी का मित्र पेपर एक हमारी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता जो है कैदी उम्र कोफी, वो मैंने पहले भी बताया था काफी लंबी है, वही चल रही है। दो हिस्सों में मैं उसकी चर्चा कर चुकी हूँ, आपको बावर समझा चुकी हूँ। अब भी डेढ़ पेज जितनी बाकी है तो इस वीडियो में आपको समझाती हूँ, पढ़कर ध्यान रखना। तो मित्रों कल जो हमने देखा था इस कविता में आता कि कवि माखनलाल कोफी से कहते हैं, अंत में देखा था कि तुम आधी रात्रि के समय क्यों बोलती हो, लोगों के दिलो दिमाग में विद्रोह की ज्वाला क्यों भड़काती हो, और अब शासन और कोकिल के कलर को लेकर कवि जो पंक्तियां कहते हैं, जो देखिए, काली तो रजनी भी काली, शासन की लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कंबल काली, मेरे लो शुक्ला काली। कवि क्या कहते हैं, देखो काली तू, तुम भी काली हो और रजनी यानी रात्रि। निशा जो भी कहो, तो क्या कहते हैं कवि, देखो तुम भी काली हो और रजनी भी रात्रि भी काली है, शासन की लहर कल्पना काली। यहाँ पर कालापन कलर के अर्थ में नहीं, पर काला जिसी भी प्रकार से आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो हम कहते हैं मुंह काला कर, मुंह वहां पर काला होता नहीं, पर एक ध्रुणित कलंकित काम के अर्थ में कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कवि क्या कहते हैं, तुम भी तो काली हो और शासन है अंग्रेजों का शासन के साथ काला है, कलंकित है, क्योंकि भारतीयों पर वो जुल्म करके वह बैठे हैं, कल्पना भी वो काली है, उनकी कल्पना भी काली काली है, कितना यहाँ से लौट कर जा रहा है। मेरी काल कोठरी काली है और मुझे जो रहने के लिए दिए छोटे से कोठरी वो भी काली है, टोपी काली कंबल काली, मैंने पहनी हुई टोपी भी काली है, कंबल भी मुझे ओढ़ने के लिए दिए वो भी काली, मेरी लो शुक्ला काली, मुझे जो लोहे की हथकड़ियाँ पहनाई है, शुक्ला का मतलब होता है हार भद कड़ी बद, शुक्ला से होता है। देखो अंग्रेजों के शासन का कालापन कवि जो व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि वो सभी का सभी काला है, प्रहर की हुकृति भी प्याली, किस पर है आली, प्रहर जो रात्रि के प्रहर चलते हैं जिसे कहा जाता है कि रात्रि से लेकर 10 से 11 12 तक का पहला, इसके बाद का दूसरा, 3 से जो 2 से 4 तक का जो तीसरा और उसके बाद का चौथा प्रहर कहा जाता है। तो कहते हैं जो प्रहर की हुकृति होती है, आवाज होती है कि प्रहर हो गया, वो भी हमें ब्याली व्याकुल, ब्याली मतलब व्याकुल कर देने वाली है, ब्याली व्याकुल कर देने वाली है, जो कवि कहते हैं कि व्याकुल कर देने वाली है, ब्याली व्याकुल करने वाली है। इस पर है आली, इस पर भी है सखी, तुम क्यों बोलती हो, इस काले संकट सागर पर मरने को मनमानी, ऐसे काले संकट के सागर पर तुम मरने के लिए मदमस्त क्यों हो गई हो, कोकिल बोलो तो, ऐसे काले संकट के सागर पर तुम मरने को क्यों मदमस्त हुई, कोकिल बोलो, अपने चमकीले गीतों को किस विधि को तैराती, कोकिल बोलो, तुम्हारे गीत मीठे हैं, जीवन में चमक देने वाले, उत्साह देने वाले, आनंद देने वाले हैं, फिर भी क्या कहते हैं ऐसी विधि को तुम लोगों को तैयार कर बैठाती क्यों हो, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी का, ये पंक्तियां मित्र समझने के लिए अहम भी याद रखना, तुझे मिली हरियाली डाली, क्योंकि इन पंक्तियों में कवि कोकिल और अपनी विषमता को व्यक्त करते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें बैठने के लिए हरियाली हरे भरी खेतों की पेड़ों की डाली मिलती है, मुझे नसीब कोठरी का ली, मेरे नसीब में क्या है, भारत में रहती हूँ, भारत में रहता हूँ, पर मेरे नसीब में काल की कोठरी लिखी हुई है जो मुझे उन्होंने कारावास में डाला है, तेरा नंबर में संचार मेरा बिस्कुट का संचार, तेरे पूरे के पूरे नभ में आकाश में तो विचरण कर सकती हूँ,
जिसे वो जो फिल्म में जो कहती है कि जो जो गीत बनाया है इसका आपने सुना होगा कि पंखी पन नदिया पवन के जो के कोई सरहद ना मेरे की, कहने का मतलब उनके लिए सभी मुक्तता होती है, पंखियों के लिए, पवन के लिए, पुष्पों के लिए, तो कहीं भी इस प्रकार से इस पौधे पर इस पौधे पर भी उग सकते हैं, पर मनुष्य के लिए जो पाबंदियां होती है उसी पाबंदी को कवि कहते हैं कि तुम पूरे नभर में आकाश में विहर कर सकती हो, तुम्हारा संचार हो सकता है, पर मेरा तो 10 फुट का ही संसार है, 10 फुट की खोली ही मुझे दी है, तेरे गीतों उठती बार होना भी है मुझे, तुम बोलती हो गीत गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं आनंदित हो जाते हैं, पर मेरे लिए तो क्या है धूम का मैं अपनी पीड़ा व्यक्त करूँ, वो भी अंग्रेज लोगों के लिए गुनाह है, क्योंकि वो अंग्रेज लोग इतना जुल्म अत्याचार करते थे भारतीय प्रजा पर वो अपनी वेदना को भूलकर व्यक्त नहीं करने देते थे। तो इस पंक्तियों में चार की चार पंक्तियों के संदर्भ के लिए आइए याद रखते थे जो उसमें बताया कि अंग्रेजों की जुल्म अत्याचार का चित्रण किया है और भारतीय प्रजा की दयनीय स्थिति को चित्रण किया है। आगे देखो कहते देख विषमता तेरी मेरी, हम दोनों की विषमता देख, हम दोनों में कितना अंतर है, बजा रही इस पर रण मेरी और उस पर तुम रण मेरी, मन मतलब युद्ध का आह्वान, क्या कहते हैं रण मेरी का मतलब आप जानते होंगे कि प्राचीन समय में रामायण महाभारत के युद्ध के समय होता था कि जैसे ही सूर्योदय हो जब युद्ध के मैदान में आकर दोनों पक्षों में से एक निश्चित किया जाता था वो शंखनाद करे और सामने वाले पक्ष को युद्ध के लिए सुसज्ज होने की सूचना दे, ठीक वैसे ही कहते ऐसे कठिन दुखी वातावरण में तुम क्या कहती हो करती हो बोलती रहती है और उस पर तुम अपने स्वर से हमारे भीतर क्या युद्ध का आह्वान हमें देती हो लड़ने के लिए अंग्रेजों के सामने तैयार होने के लिए कहती हो, इस सुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, तुम्हारी ही कृति है मैं स्वर को स्वीकारते पर मैं और क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो कारावास में बंदी हूँ, कोकिल तुम बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का सब किस में भर दो, मोहन के व्रत पर क्योंकि युद्ध करने जाएंगे खून खराबा होगा पर मैं किसको मानता हूँ, मोहन जी महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने मोहन के व्रत पर मैं उसके व्रत पर उसकी बातों को मानता हूँ तो अपने प्राणों का आस्था दान देना भी चाहूंगा पर बिना युद्ध के कैसे दे सकता हूँ, तो उसको दे सकूं, कोकिल तुम बोलो फिर कहो अरे क्या बंद न होगा गाना, कभी इतना कहते इतना फिर से कोकिल का सुर आता है तो कभी कहते क्या तुम्हारा गाना अभी बंद नहीं होगा फिर से तुम बोल दिए, यह अंधकार में मधुराई दफनाना, इस अंधकार में तुम मधुरता को दफनाती हो अपनी अपनी मधुरता को दफनाना का मतलब होता है सामान्य जमीन में गाड़ना, और तुम्हारी मधुरता तुम अंधकार में बोलती हो तो इस प्रकार की होता है जैसे जमीन में दफना रही हो, नब सीख चुका है कमजोरों को खाना, आकाश के लिए कहते हैं उसकी विशालता के अर्थ में कि वो क्या करता है आकाश हमेशा कमजोर व्यक्तियों को खा जाता है, रात्रि के अंधकार के अर्थ में कि अधिकांशता गलत कार्य रात्रि के अंधकार में होते तो तुम ऐसे अंधकार में अपने मीठे स्वर को क्यों दफना रही हो, क्योंकि नब की तो आदत है अपने तारों को बांध लाकर कार फैलाकर कमजोर को अपना गुलाम बनाता है, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों के शासन की भी बात है जो भारतीय प्रजा जो कमजोर है पर जुल्म करके वो को गुलाम बनाते हैं, क्यों बना रही अपने को उसका दाना, तुम क्यों अपने आप उसका शिकार हो रही हो अंधकार का, तुम अभी मत बोलो तुम सुबह में ही बोलना तुम्हारे मीठे स्वर को सुबह में सुनाना, फिर जो आगे कहते हैं तुम अपने आप को उसके समर्पित मत करो, तिस पर करुणा ग्राहक बंदी सोते हैं उस पर भी करुणा जगाने वाले जिनको देखकर ही हमारे भीतर दया का सामर सागर बन पड़े, ऐसे करुणा के ग्राहक जो करुणा के अभिलाषी है ऐसे बंदी सो रहे हैं, सपनों में स्मृति और श्वासों से धोते हैं अपने सपने देखते हैं तो अपनी आदाश याद करते हैं जब करवास के बाहर थे और यहाँ फिर क्या अपने सपने देखते हैं कौन से हम आजाद हो जाएंगे और इन यादों में स्मृति यानी यादाश्त स्मृति में यादाश्त
यादों में क्या करते हैं, कभी कहते हैं सपनों में यादों में अपनी मधुरता को जो नहीं दफना सकते और श्वासों से धोते हैं। तो पता है अभी हमें जो सपना देख रहे हैं पूरा, तो अपने दुख भरे पीड़ा भरे निश्वास निकालकर सपनों में सुखद तो बात याद आती है, पर उसको पीड़ा जो है वास्तविकता कारावास में धो देते हैं। इन लोह शिकंजों की कठोर पाशों में किसमें है, कभी कारावास के भीतर है तो उनको लोहे के बड़े शिकंजे यानी सड़ियों के भीतर रखा है, तो उन शिकंजों की कठोर पाशों में, पाश का मतलब बंधन, पाश का मतलब उनके लोहे की शिकंजों के बंधनों में रखा है। फिर जो कहते हैं अंत में, क्या बर्दोगी बोलो निद्रित लाशों में, ये लोग सोए हैं निद्रा में पर कैसे है? एक प्रकार के लाश जैसे हो, तो इन निद्रित लाशों में क्या तुम अपना उत्साह आनंद तुम्हारे ईश्वर की जो चेतना है बढ़ सकोगी। और अंत में कहते हैं क्या धूल जाएगा अर्थन तुम्हारे निश्वासों के द्वारा, उन लोगों का अनुदान जो पीड़ा निश्वास है तुम्हारे गीतों से क्या पूर्ण होगा, वो किल तुम बोलो तो। कवि क्या कहते हैं कि उन लोगों की पीड़ा को तुम कैसे सहोगे तुम बताओ, और अपराध में हो जाएगा उलट पुलट जग सारा, को किल बोलो तो तुम कर सकोगी तो इतना करोगी कि सुबह में फिर से सारा जग उलट पुलट हो जाए, हम उनकी गुलामी से उनके बंधन में से मुक्त हो जाए, क्या तुम ऐसा कर सकोगी, वकील के जरिए कंत में कवि उसे कहते। यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिल कविता में मूलतः अपने भारत देश पर अंग्रेजों के जुल्म आक्रमण अत्याचार का खुलकर बखूबी पर्दाफाश किया है, इसीलिए उदाहरण के लिए उन्होंने प्रकृति का उपादान दिया है कौन सा की कोकिल को, तो कोकिल को अपने ही आप से रूप में मुक्तता की बात उन्होंने व्यक्त की है। तो पूरी की पूरी कविता का भावार्थ जो काफी लंबी थी, तो तीन वीडियो में आकर हमारी पूर्ण हो चुकी है ये कविता, एक कैदी और कोकिल कविता, काफी लंबी कविता है और वैसे तो मैं आपको पहले भी कहा कि सभी कविताएं आई हुई है और ये कविता तीन वीडियो में आपकी यहाँ पर पूर्ण होती है, और इसके बाद का एक वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको उसका प्रश्न की निकलता है उस प्रश्न की चर्चा हम करेंगे कि कैदी और कोकिल कविता का भावार्थ लिखिए, देश प्रेम को उजागर कीजिए, ये आएगा आरंभ का। आपको थोड़ा सा बता दूं पूरी कविता के बारे में कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने ये कविता जैन जीवन के दौरान लिखी थी, और उसमें जब कवि कारावास में कोकिल बोलती है तो उसको सवाल करते हैं कि हमारे पर अंग्रेजों का जुल्म होता है तो उसमें आनंद में सामने आकर क्यों बोलती है, तुम क्या हमारी पीड़ा को उनके गुलामी को दूर कर सकती हो, ऐसी बातें और कहते हैं मैं भी युद्ध किरण बेरी का हवा दे दूँ, पर मोहन यानी कि महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार से कहा है उसको हम कैसे छोड़ दें, उसी बात को स्वीकार कर मैं आपको प्रणाम भी नहीं दे सकता। और इस प्रकार इसके प्रश्न की चर्चा आपके लिए करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।